अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग जो जा रहे हैं ढाई दिन के झोपड़े के लिए, तो जैसे अभी हमारे साथ है, क्या बोलना चाहेंगे आप? माशाल्लाह ढाई दिन का झोपड़े जो देखने के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे कुछ फोटो शूट वगैरह भी करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों वीडियो में बने रहे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद समीर खान खाजरी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी अजमेर शरीफ में, मौसम में बरसात है, मगर अभी जो है पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे जो है बारिश वगैरह थी। अभी जो है राइट नाउ जो है 3-4 रोज़ से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है, बिल्कुल पसीने निकल जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ का ढाई दिन के झोपड़े से पहले का ये जो है दुकान वगैरह है, यहाँ पे पूरे मार्केट्स के जो है कपड़ों के दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे जो है तस्बी अता टोपी वगैरह के पूरे दुकान है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल जो है बुलंद दरवाजे से राइट साइड पे जब जाएंगे तो ढाई दिन का झोपड़ा यहाँ पे ही लगता है। तो अभी ढाई दिन के झोपड़े के पास हम आए हुए हैं आज। हाँ करीब है, ऊपर चढ़ के जाना है, ढाई मिनट में ही आ गया। हाँ ढाई दिन का झोपड़ा बुलंद दरवाजे से 5-6 मिनट की डिस्टेंस पर है। भाई ये सीढ़ियाँ चढ़े तक लियो, चलिए। ये देखिए दोस्तों ये ढाई दिन के झोपड़े के पास है अभी हम लोग। अभी यहाँ पर जाना है हमें। ये देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत व्यू है, कुदरत का नज़ारा। ये देखिए हमारे साथ मुजाहिद भैया भी मौजूद है। ये देखिए एक छोटू जो है यहाँ पे पतंग उड़ाते हुए। ये देखिए कैसा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी कैसी है? गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, हैदराबाद से भी ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, हमारे चैनल मोहम्मद समीर खान खाजरी को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, मोहम्मद समीर खान खाजरी। तो आइए अभी हम जा रहे हैं ढाई दिन के झोपड़े। चर्चा बजाए इनके दरबार सखावत का, चर्चा बजाए इनके दरबार सखावत का, बटता है सदा सदका, बटता है सदा सदका, पाजा महाराजा का। होती है बसर सबकी यहाँ ख्वाजा परस्ती में, होती है बसर सबकी यहाँ ख्वाजा परस्ती में, जग सारा है दीवाना, जग सारा है दीवाना, ख्वाजा महाराजा का। ये शम्स और कमर तारे
सब जिन्नो बशर सारे, ये शम्सो कमर तारे, सब जिन्नो बशर सारे। पढ़ते गया कलमा, पढ़ते गया कलमा, ख्वाजा मगराजा का। चलती है जमाने में ख्वाजा के गुलामों की, चलती है जमाने में ख्वाजा के गुलामों की। मुख्तार है हर बंदा, मुख्तार है हर बंदा, ख्वाजा मगर राजा का। अब्दाल वली होगा वो ख्वाजा कुतुब होगा, अब्दाल वली होगा वो ख्वाजा कुतुब होगा। पी लेगा जो पैमाना, पी लेगा जो पैमाना, ख्वाजा मगर राजा का। लौटाना कली खाली दरबार सखावत से, लौटाना कली खाली दरबार सखावत से। दर फैज़ का है दरिया, दर फैज़ का है दरिया, ख्वाजा मगराजा का। ये देश है ख्वाजा का, ख्वाजा मगराजा का। चलता गया सिक्का ख्वाजा मगराजा का। दोस्तों ये है ढाई दिन का झोपड़ा, भैया भी मौजूद है इधर। ये देखिए धूप तो माशाल्लाह धूप है। ये देखिए दोस्तों ढाई दिन के झोपड़े के अंदर हम मौजूद हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और इतनी गर्मी में हम जो है वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो तुम चलते जाओ। बहुत ज्यादा धूप है। ये देखिए ढाई दिन के झोपड़े के अंदर समीर भाई का फोटो शूट हो रहा है। फोटोग्राफर जो है अजहर भाई नाम है इनका और बहुत अच्छे फोटोज खींच रहे हैं ये माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं किस तरीके से फोटो शूट कर रहे हैं वो। हाँ
ये देख सकते हैं आप, समीर भाई की फोटो शूट चल रही है ढाई दिन के झोपड़े के अंदर। ये बता रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा ठहरी है, ऐसा नहीं ऐसा ठहरी है। ये बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, बहुत अच्छी फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि समीर भाई का ये दूसरा ट्रिप है। फर्स्ट ट्रिप में भी ये समीर भाई यहाँ पे फ़ोटो शूट्स कराए थे, बहुत प्यारे फ़ोटोज़ आए थे ढाई दिन के झोपड़े के अंदर। वहीं पे बैठो ना भाई, इधर साफ है। ये पैर को आपके आगे लो, एक और आगे लो, इस हाथ रखो, लोअर ऊपर कर लो आपका लोअर। कलर के अलग हो रहा है, स्किन वाला भी, वाला भी, अगर ये भी ब्लैक होता ना तो सही रहता। ये पैर को आगे लो, ऐसे ना। ये देखिए आप किस तरीके से फोटो शूट्स चल रही है यहाँ पे, समीर भाई की फोटो शूट चल रही है यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्यारे तरीके से फोटो शूट चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी जो है मेरा फोटोग्राफी का जो है शूट कंप्लीट हुआ है ढाई दिन के झोपड़े में। अभी देखिए ये हमारे अजहर भाई भैया की जो है फोटो शूट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो है ढाई दिन का झोपड़े के अंदर है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे क्या है, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। ये देखिए भैया का शूट चल रहा है, ये हमारे अजहर मियाँ कर रहे हैं। ये धूप इतनी है कि बेचारे जो है मफलर वगैरह सर पे रख के जो है रुमाल सर पे डाल के हैं। दोस्तों अभी ढाई दिन के झोपड़े में हैं, यहाँ पे जो है बेहतरीन जो है आपको जो है फोटोग्राफ्स वगैरह जो है लेने वाले मिल जाएंगे, जिसमें से एक वन ऑफ बेस्ट फोटोग्राफर जो है मुझे लगे हैं ये हमारे अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई खैरियत से हो? बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ। जी जी अजहर भाई, क्या क्या सर्विसेज देते हो DSLR फोटोज के लिए? करते हैं भाई DSLR के, सॉफ्ट कॉपी देते हैं, हार्ड कॉपी देते हैं, जैसे लोग वैसे मिल जाएंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमिंग क्या है आपकी? अपन तो भैया 1 बजे के आसपास ही मिल जाएंगे। 1 बजे के आसपास मिल जाएंगे। नंबर बता दीजिए ताकि जो भी आएंगे हमारे व्यूवर्स आपके पास है ना वही डाल देना आप। अच्छा फिर से एक मरतबा बोल दीजिए। 7788837360। चलिए दोस्तों ये देखिए ढाई दिन का झोपड़ा है यहाँ पे, आप लोग जो है ज़रूर बज़रूर तशरीफ लाएँ और हमारे अजहर मियाँ से जो है ज़रूर मुलाकात करें। ये देखिए भैया भी हैं यहाँ पे, अच्छी फ़ोटो शूट की है अजहर भाई ने। इतनी धूप के बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान से अच्छी सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं गरीब नवाज सरकार के मेहमानों की अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत यहाँ का मंजर है, माहौल है। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आइए मैं कुछ और झलकियाँ दिखाता हूँ आपको ढाई दिन के। मेरे ख्वाजा का, 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 मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मोहम्मद है।
पीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का। यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर गए, बटता है वहाँ घर गए, सदखा मेरे ख्वाजा का, बटता है वहाँ घर गए, सदका मेरे ख्वाजा का। तनवीर मुहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीर मुहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का। बुलाए है जन्नत से, खुशबू है मदीना से, खुशबू है मदीने की, बुलाए है जन्नत से, खुशबू है मदीने की। गूंदा है फरिश्तों ने, गूंदा है फरिश्तों ने, सहरा मेरे ख्वाजा का, गूंदा है फरिश्तों ने, किस शान से होती है शादी मेरे ख्वाजा की, किस शान से होती है शादी मेरे ख्वाजा की, किस शान से होती है। आया है मदीने से, आया है मदीने से, सहरा मेरे ख्वाजा का, आया है मदीने से, सहरा मेरे ख्वाजा का। तनवीर मुहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीर मुहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी जो है हम लोग ढाई दिन के झोपड़े की विज़िट के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट कंप्लीट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है ये इमारत है, और इसकी हिस्ट्री भी है अजमेर शरीफ से रिलेटेड, और जैसे कि आपको मैं वीडियो में पूरा बतलाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी हम लोग जो है लंच वगैरह भी नहीं हुआ है, इंशाल्लाह लंच के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस हो रहा है, बारिश का मौसम है मगर गर्मी ज़्यादा है। तो वीडियो में इंशाल्लाह बने रहें। अभी जो है यहाँ पर ये मुकम्मल कर रहा हूँ मैं वीडियो, इंशाल्लाह अभी लंच के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जितने भी दिन हम लोग रुके हैं इंशाल्लाह वो पूरे जो है व्लॉग्स आपको जो है वीडियोस इंफॉर्मेशन तमाम चीज़ें मिलते रहेंगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल जब मोहम्मदिया गेस्ट हाउस गेट नंबर 4 से बाहर आएँगे, दिग्गी बाज़ार वगैरह वहाँ से जब पेड़ आओगे, तो ये होटल अजमेर से जो है जब इधर आओगे तो आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे चौरस्ते पे जो है गोल सर्कल मिलेगा। सर्कल के बिल्कुल सामने जो है आपको ये बेहतरीन जो है आपको समोसा वगैरह, आलू बंडा, मिर्ची वगैरह, प्रॉपर जो यहाँ के राजस्थान के जो पुराने ओल्ड वाले हैं वो मिलेंगे। बिल्कुल ये सर्कल
ये सामने कृति कलेक्शन है, इसके बिल्कुल सामने मिलेगा ये। अभी आपको वीडियो में पूरा डिटेल बतलाऊंगा मैं। गा के पास से ये ई ऑटोस चलते हैं, ये हमारे मुजम्मिल मोहम्मद जी। जी कहाँ से सर्विस देते हो? अपने मोहम्मद जी से केसरगंज डिग्गी बाजार है। अच्छा, कहीं पे भी जाओ तो सेवा देते। नंबर बोल दो, कोई कस्टमर आएंगे तो कॉल कर लेंगे। 9692-7202-43 ओके ओके। ये है मुजम्मिल मोहम्मद, मुजम्मिल गरीब नवाज सरकार के जितने भी मेहमान आते हैं उनकी खिदमत में लगे रहते हैं।